कानून चेंज हुआ है, काफी उसमें लेंदी है, क्या? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ये तीन जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी, नागरिकों का जीवन आसान होगा। जो हमें ई प्लेटफॉर्म मिले हैं अलग अलग, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म, ई प्रिजन प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, इससे जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनको भी सुविधा रहेगी, जो तफ्तीश करने वाले होते हैं उनको भी सुविधा रहेगी, जेल के अधिकारियों को भी सुविधा रहेगी और कैदियों को भी सुविधा रहेगी। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन उनका आचरण संसद की नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है और संसद की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। वो जब बोले तो हम सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे हिंदुओं को हिंसक कह दिया, फिर भी हमने उनकी पूरी बात सुनी। थोड़ा हंगामा हुआ लेकिन फिर भी पूरी बात सुनी। लेकिन जब नेता सदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के साथी उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन देश सुन रहा था। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई गुजरात इस बार हम जीतेंगे, वो दावे के साथ कह रहे हैं। वो तो चुनाव आएगा तो पता चलेगा ना, गुजरात में अभी कितने जीते हैं जरा बताएं। वो बीकानेर के देखिए, बीकानेर के लिए कई तरह के जो हमारे सब्जेक्ट हैं उस पर आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है, एक बार बैठ के अलग से भी करेंगे। लेकिन बड़े बड़े जो प्लान हैं उसके हिसाब से सोलर हब बीकानेर तेजी से उभरे और तेजी से बने, इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। सेरेमिक हब बने, इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, और फर्टिलाइजर हब बने क्योंकि पोटास पूरे देश में यहीं मिला है, तो इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। बजट आने वाला है इस बार, बजट सेशन 22 जुलाई से 12 अगस्त तक है। 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, वित्त मंत्री जी पेश करेंगे, 23 जुलाई को बजट पेश होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।